स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सीरीज श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारा चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फ्लावर के बारे में कंप्लीट किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और जो प्लेसेंटेशन है फ्लावर का, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे अनदर अरेंजमेंट इन द फ्लावर ऑफ पेटल्स। पेटल्स का अरेंजमेंट सेपल है या पेटल्स का अरेंजमेंट, उसको क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। यानी कि एस्टिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एस्टिवेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो एस्टिवेशन होता क्या है। एस्टिवेशन जो होता है वो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है फ्लावर के अंदर, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो एस्टिवेशन इज दैट अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल। सेपल का भी अरेंजमेंट हो सकता है और पेटल का भी अरेंजमेंट हो सकता है, दोनों को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। दोनों का अरेंजमेंट सेम तरीके से हो सकता है, इनके टाइप्स हैं वो सेम होते हैं, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के दोनों के, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या होती है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द सेम वर्ल्ड। कि अगर हम एक वर्ल्ड की बात करें, देखो जो सेपल और पेटल्स हैं वो अलग अलग, जैसे पेटल्स का तो एक वर्ल्ड में ही आता है सेपल्स तो, लेकिन पेटल्स हैं उसके क्या होते हैं, जैसे रोज है, रोज के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड्स होते हैं। यानी कि जो पेटल्स हैं वो पत्तियां, जैसे एक वर्ल आ गया, उसके बाहर एक और पेटल का वर्ल है, फिर उसके बाहर एक और पेटल का वर्ल है, इस तरह से बहुत सारे वर्ल्स वहां पे बन सकते हैं। तो एक सिंगल वर्ल के अंदर पेटल और सेपल का अरेंजमेंट तो क्या होगा, एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ, इज द अरेंजमेंट ऑफ आइदर सेपल्स और पेटल्स इन देयर वर्ल, उनके अपने वर्ल्ड के अंदर जो अरेंजमेंट है सेपल और पेटल का, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब वर्ल्ड के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होगा, जब हम किसी फ्लावर को टिप ऑफ द फ्लावर से देखते हैं, जैसे कि लाइक दैट दिस इज अ फ्लावर, और अगर हम यहां से उसको देखते हैं, ऊपर से अगर उसको देखते हैं, तो वो क्या होता है, वहां से हमें कुछ अरेंजमेंट पता चलता है। तो किस किस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज वॉल्वेट। वॉल्वेट के अंदर क्या होता है कि अगर हम ऊपर से देखें फ्लावर्स को, तो ये ऊपर से देखने का एक व्यू है, सेक्शनल व्यू है फ्लावर का। तो यहां से अगर हम देखें फ्लावर को, तो यहां पे हमें दिख रहे हैं दीज आर द पेटल्स। पेटल्स को ड्रॉ ऐसे किया जाता है, दीज कर्व्स है वो पेटल्स को इंडिकेट करती है इन देयर डायग्राम, ठीक है। और सेपल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर हम सेपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, टू मार्जिन्स होती है यहां पर, और एक थर्ड मार्जिन अगर हम यहां पे बना देते हैं, दिस इज अ सेपल। अगर आप सेपल को डिस्क्राइब कर रहे हो तो इस तरह का आप इस तरह से करोगे, और अगर पेटल को कर रहे हो तो इस तरह से, ये एग्जांपल, ये जो डायग्राम है वो सारे पेटल्स के हैं। सेपल को करने के लिए आपको टू मार्जिन ये है और थर्ड मार्जिन यहां पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स लाइक समथिंग ट्राइंगुलर सा आपको बनाना पड़ेगा अगर आप सेपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप सेपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये इस तरह का डायग्राम, इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी, कर्व बनानी पड़ेगी, और अगर पेटल बना रहे हो, कलर्ड लीफ बना रहे हो, तो इस तरह की वहां पर थर्ड मार्जिन आपको शो नहीं करनी होती, ठीक है। तो ये जो जितने भी डायग्राम्स हैं ये पेटल्स के लिए हैं, सेपल के लिए आपको, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को सेपल का बना देता हूं तो किस तरह से होगा, लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, ये सेपल्स का डायग्राम आप इसको पूरा बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये सेपल और पेटल का अरेंजमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या है, हम पढ़ेंगे अभी वॉल्वेट। सबसे पहला जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो सकता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन हो सकती है। वॉल्वेट एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन के अंदर जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनकी मार्जिन है वो फ्री होती है, दे डस नॉट ओवरलैप। यहां पे आप किसी को कोई ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ये किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती। ये इन, अगर इस अरेंजमेंट की मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा, ये लाइक ए ग्रुप फोटो, अगर आप कोई भी ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो जब आप करवाते हैं, क्लिक करते हैं, तो उस केस में आपने देखा होगा कि आप लाइन अप हो जाते हो। अगर ज्यादा मेंबर्स होते हैं अगर फैमिली में, तो आपको अपना शोल्डर है वो दूसरे मेंबर के साथ ओवरलैप करके रखना पड़ता है, वन लाइन बनती है, टू लाइन बनती है। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप कम मेंबर हो तो आप क्या है, सीधे लूजली आप खड़े हो सकते हो उस पिक्चर के अंदर।
तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। अगर आप सीधे खड़े हो बिल्कुल बिना किसी के शोल्डर के, कोई किसी का शोल्डर है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, सीधे खड़े हैं सारे के सारे एक रो में, तो वो उस तरह का अरेंजमेंट वॉल वेट होता है। तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल वेट एस्टिमेशन होती है। तो वॉल वेट एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का, वो क्या होता है, द सेपल्स और पेटल्स द मार्जिन ऑफ देयर डस नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं कर रही होती है, ये सिर्फ एक दूसरे को जस्ट टच कर रही होती है। ठीक है, तो दिस इज द वॉलवेट एस्टिमेशन। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलवेट एस्टिमेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच ईच अदर, एक दूसरे को सिर्फ टच कर रही है। ओके, देर आर नो ओवरलैपिंग, यहां पे क्या है, कोई किसी भी तरह की देर आर नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं हो रही यहां पर, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती यहां पर। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, वॉलवेट का। और जो एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस के फ्लावर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, वॉलवेट एस्टिमेशन है वो कैलोट्रोपिस के फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वॉलवेट एस्टिमेशन एंड इट अकर्स इन द कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है कि फैमिली मेंबर थोड़े से जैसे बढ़ जाते हैं, फोटो की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे हम सेम पेटल ले रहे हैं, पेंटामेरस फ्लावर है, यहाँ पे पेंटामेरस है, ट्राइमेरस फ्लावर आप ले सकते हो पेंटामेरस, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस ही होते हैं। पेंटामेरस का मतलब क्या होता है, पेंटा मीन्स फाइव, मेरस मीन अपेंडेजेस इन द वर्ल्ड, की जो फाइव पेटल्स है तो पेंटामेरस होता है, एक वर्ल्ड के अंदर अगर फाइव पेटल्स होते हैं तो पेंटामेरस है, थ्री है तो ट्राइमेरस है, फोर है तो टेट्रामेरस है। ठीक है, तो दीज आर द पेंटामेरस, सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं वो पेंटामेरस फ्लावर के लिए हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली होता है प्लांट्स के अंदर, पेंटामेरस जो स्टेज जो फ्लावर है वो ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है, द मार्जिन्स, यहां पे क्या होगा, जो मार्जिन है द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल, सेपल या पेटल की मार्जिन जो है और पेटल ओवरलैप्स, ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप्स ईच अदर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टेड अरेंजमेंट और ट्विस्टेड एस्टिमेशन। और ये किसके अंदर होता है, ट्विस्टेड होता है हिबिस्कस प्लांट के अंदर ये होता है। तो यहां पे आप जैसे देख रहे हो कि एवरी टिप और मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप कर रही है, जैसे कि ये इसकी जो मार्जिन है ये इसके साथ ओवरलैप कर रही है, इसकी ये मार्जिन इसके साथ ओवरलैप कर रही है, इसकी ये मार्जिन इसके साथ, इसकी ये मार्जिन इसके साथ, इसकी ये मार्जिन इसके साथ, तो क्या होता है, एक लाइन अप हो जाते हैं सारे के सारे पेटल्स। तो यहां पे देखिए अगर हम डायरेक्शन देखें, ये ऊपर है, देन दिस ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये जो ओवरलैपिंग की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, यानी कि सारे के सारे जो ओवरलैपिंग है हमें यहां पर हर केस में एक ही डायरेक्शन में मिल रही है, कि इस सेपल का या पेटल का जो एंड है, इस पेटल का एंड है ये इसको ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये इसके नीचे दबा हुआ है, उसके बाद में आते हैं इसका ये एंड ऊपर है, इसका ये एंड ऊपर है, इसका ये एंड ऊपर है, इस तरह से क्या होती है, एक लाइन वाइज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है वो, दिस इज द ट्विस्टेड। उसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट आती है हमारी इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, यहां पर भी ओवरलैपिंग होती है, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो ओवरलैपिंग है वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं है। यहां पर देखो ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, यहां से शुरू कर देते हैं, तो यहां पर देखिए ये एंड इसका नीचे है, लेकिन जब यहां पे ये नीचे है, लेकिन यहां पर जब आए तो ये एंड ऊपर आ गया, नीचे आना चाहिए था सेम डायरेक्शन में, ये यहां आना चाहिए था लेकिन ये ऊपर आ गया है, तो डायरेक्शन यहां से चेंज हो गई है, इधर से हम आ रहे थे ये एंड नीचे था, यहां से आकर ये ऊपर हो गया, तो ये क्या है, इन नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इफ द मार्जिन ऑफ
सेपल और पेटल, ओवरलैप्स ईच अदर, एक दूसरी को ओवरलैप कर रही है बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक कोई डायरेक्शन के अंदर नहीं है, तो ऐसा वहां ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या है हमारे पास, केसिया गुलमोहर के अंदर ऐसा होता है, केसिया के अंदर, केसिया फ्लावर के अंदर और गुलमोहर के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होता है। यहां पर देखिए एक सेपल ऐसा, एक पेटल ऐसा है जो दोनों के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और एक पेटल ऐसा आ जाता है जो दोनों मार्जिन उसकी नीचे ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहां से चलें, ये एंड इसके ऊपर है, ये इधर गई, ये भी एंड इसके ऊपर है, ये भी एंड इसके ऊपर है, यहां से तो चला ये, लेकिन उसके बाद में ये जो टिप ऊपर आना चाहिए था नीचे आ गया, यानी डायरेक्शन चेंज होगी, और इधर से ये डायरेक्शन है, तो ये क्या है, टू डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहां से ऊपर आ रहा है ये मार्जिन, ऊपर आ रहा है ये मार्जिन, यानी कि कोई भी एक साइड का मार्जिन हम लेते हैं, राइट और लेफ्ट साइड का एक साइड का मार्जिन लेते हैं सभी पेटल्स का, और उसको देखते हैं। यहां पर अगर इसको देखें तो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसका नेक्स्ट का भी ऊपर है, लेकिन उसके नेक्स्ट का ये नीचे है, इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहां से डायरेक्शन चेंज होगी। अब इधर क्या है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई नहीं है, यहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आप देखो हर एक पेटल का कोई भी एक एंड लेके चलो तो वो ऊपर है या नीचे है, तो नेक्स्ट पेटल का सेम एंड क्या होगा, सेम वे में अरेंज होगा, ओवरलैप होगा, तो यहां पे सेम वे में ओवरलैप नहीं होता है। उसके बाद में जो लास्ट वन है वो क्या होती है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर फाइव पेटल्स में से होती है, देयर आर हमेशा क्या होता है, यहां पर फाइव पेटल्स होते हैं, देयर आर फाइव पेटल्स वाले फ्लावर के अंदर ये होती है, यानी कि हमेशा ही पेंटामेर, सारे हमने पेंटामेर्स के एग्जांपल लिए, ये ट्राइमेर्स में भी ऐसा हो सकता है, टेट्रामेर्स में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, पेंटामेर्स फ्लावर में ही होगा। उसके बाद में क्या है, देयर आर फाइव पेटल्स है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, द लार्जेस्ट पेटल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेटल भी बोलते हैं, लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप्स द नेक्स्ट टू स्मॉलर विच फर्दर ओवरलैप्स नेक्स्ट टू, और जो इनर मोस्ट है, और इनर मोस्ट ये क्या है, इनर मोस्ट, ठीक है, ये इनर मोस्ट है, यहां से क्या है, फ्यूज्ड है, इनर मोस्ट यहां से क्या है, फ्यूज्ड है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड पेटल, दिस इज द स्टैंडर्ड पेटल, ओके, तो ये क्या है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड पेटल है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट टू स्मॉलर पेटल को ओवरलैप कर रहा है, और ये टू क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टू इनर पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं जो कि आपस में फ्यूज है। और ऐसा किसके अंदर होता है, पी के अंदर, पी फ्लावर के अंदर होता है और बीन के अंदर होता है, पी के अंदर और बीन का फ्लावर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह का होता है, एक पेटल वहां पे क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर टू पेटल्स स्मॉलर होते हैं, उसके अंदर फिर टू पेटल्स और ज्यादा स्मॉलर होते हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी अरेंजमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द एस्टिवेशन। यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो वाल्वेट है, ट्विस्टेड है या इम्ब्रिकेट है, ये तीनों के तीनों किसके अंदर होती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर होती है, यानी कि इनको हम कहीं से भी कट कर सकते हैं जो सिमेट्री है इनकी, लेकिन ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, इसको एक ही प्लेन से हम कट कर सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री इनकी होती है, और ये क्या होते हैं, मल्टीपल सिमेट्री इनकी होती है, यहां पे क्या होता है, सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री इनकी होती है, किसके, वेक्सिलरी जो जिनके अंदर एस्टिवेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिवेशन, दिस इज द वाल्वेट, दिस इज द ट्विस्टेड, दिस इज द इम्ब्रिकेट एंड this one is the
वेक्सिलरी, ठीक है। तो दिस इज द एस्टिमेशन और अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लावर। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।